तो वीट की एक्सपोर्ट की खबर निकल के सामने आ रही है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि वायदा कारोबार में गेहूं के भाव में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। भारत सरकार ने इस मौके का फायदा उठाने के लिए गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई थी, लेकिन अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गेहूं की खरीदारी कम होने की वजह से और घटने की आशंका की वजह से भारत पर रोक लगाने का फैसला किया है। रूस और यूक्रेन में पिछले 2 महीने से जारी विवाद की वजह से मार्केट में गेहूं की कमी हो गई है। भारत अब तक ग्लोबल फूड मार्केट में बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात नहीं करता रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट का फायदा उठाने के लिए भारत ने गेहूं का निर्यात बढ़ा दिया था। पिछले कुछ समय से खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई का असर गेहूं के भाव पर भी पड़ा है। इसके साथ ही खराब मौसम की वजह से गेहूं का उपज गिरने की भी आशंका है। देश के कई हिस्सों में खाद की कमी और खराब मौसम की वजह से गेहूं की उपज पर असर पड़ने की आशंका है, और इसी वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI ने अब तक अपने गेहूं खरीद लक्ष्य का बहुत कम हिस्सा खरीदने में सफल हो पाया है। यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। दुनिया के फूड बास्केट में यूक्रेन की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अगर बात रूस यूक्रेन विवाद की वजह से पैदा हुई स्थितियों की करें तो दुनिया भर में यूक्रेन का निर्यात प्रभावित हुआ है, जिस वजह से खाने पीने की चीजों की महंगाई आसमान छू रही है। भारत की अपनी जरूरत के लिए गेहूं कम पड़ने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने आपूर्ति बढ़ाने और घरेलू कीमत पर काबू पाने का फैसला किया है। पिछले ही महीने दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल सप्लायर इंडोनेशिया ने निर्यात रोकने की कोशिश की, जिससे दुनिया भर में खाद्य तेल के भाव आसमान छू रहे हैं, और इसके साथ सर्बिया और कजाकिस्तान जैसे देशों ने भी अनाज के निर्यात पर रोक लगाई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार भी गेहूं का निर्यात रोकने पर विचार कर रही है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से गेहूं की उपज कम रह सकती है और सरकार की प्राथमिकता दुनिया को निर्यात करने की जगह घरेलू खपत को पूरा करने की है। तो यानी कि अभी ऐसा कोई फैसला आया नहीं है कि सरकार गेहूं के निर्यात पर रोक लगाएगी या नहीं, अभी ऐसी बातें चल रही हैं, और ये भी जो जानकारी मिली है ये भी सूत्रों के हवाले से मिली है। अब ये वक्त ही बताएगा कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगती है या नहीं।